जिस अमानत का जिक्र हो रहा है वह सोना नहीं चांदी नहीं वह माया नहीं वह तो परमात्मा की कीती भगती का फल है। राजा सब तुर पए ने एक बाग विच पहुंचे जिस बाग का नाम मोती बाग है। पर यह मोती बाग अज स्वर्ग की तरह लग रहा है। वन सुवन्ने दरख्त फलों वाले फुलों वाले सुंदर खुशबोई वाले इस मोती बाग विच राजा साहब जी की उड़ीक हो रही है। ओए ए उड़ीक अज दी नहीं ए ते बड़ी पुरानी है। जिवें मां नूं परदेस विच बैठे पुत दी उड़ीक हुंदी है, जिवें रखड़ी वाले दिन भैण नूं वीर दी उड़ीक हुंदी है। राजा साहब तुरे जा रहे ने। मोती बाग विच इक तलाब है, उस तलाब कंढे एक कोठी कमरा बणिया होया है। उस कोठी अंदर मस्त फकीर साहबदास ही रहिंदे ने, जिहड़े बहुत लंबे समय तो तपस्या कर रहे सन। साहबदास जी दे सेवक सदा उस कोठी दे दरवाजे अगे खड़े रहिंदे सन। जदों राजा साहब जी कोठी दे अंदर जाण लगे, दरवाजे अगे खड़ा सेवक राजा साहब नूं रोकदा, जिवें कह रहे है जोड़ा बाहर लाओ फिर अंदर जा सकदे हो। उस समय दे हाल नूं बीबी गुरजीत कौर, बीबी हरप्रीत कौर, बीबी कुलवंत कौर दे कोलों इउं सरवण करो बई।